भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले मोहम्मद शमी के लिए बीता साल यानी कि 2023 ढेरों कामयाबी लेकर आया। आइए जानते हैं कि मोहम्मद शमी की अब तक की क्रिकेटिंग जर्नी कैसी रही है। सितंबर 1990 को यूपी के अमरोहा में जन्मे मोहम्मद शमी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। भारतीय पेस अटैक का वो महत्वपूर्ण अंग हैं जिन्होंने पिछले वनडे वर्ल्ड कप के बाद अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। छोटे कस्बे से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहचान बनाना शमी के दृढ़ संकल्प, टैलेंट और मेहनत का नतीजा है। मामूली बैकग्राउंड से आने वाले शमी के सामने पैसों की तंगी थी, लेकिन वो ठान चुके थे कि क्रिकेट में ही भविष्य बनाना है। टैलेंट तो उनमें था ही, लेकिन उसे निखारने के लिए उन्होंने मुरादाबाद में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली। रिसोर्सेज के अभाव के बावजूद उन्होंने अपने स्किल्स में लगातार सुधार किया और डोमेस्टिक क्रिकेट से बंगाल क्रिकेट सेलेक्टर्स की नजरों में आ गए। उन्हें स्टेट क्रिकेट में एंटर कराने में सौरभ गांगुली की अहम भूमिका रही। शमी का फर्स्ट क्लास डेब्यू 2010 में हुआ, लेकिन अपनी इम्प्रेसिव गेंदबाजी के दम पर जल्द ही उन्हें आईपीएल में भी खेलने का मौका मिल गया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट का रास्ता भी ढूंढ लिया। 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें वनडे में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। इस मैच में 4 मेडन ओवर फेंक कर वो भारत के लिए 4 या उससे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले पहले डेब्यूटेंट बने। तब से लेकर अब तक शमी भारत के लिए 101 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिनमें वो 23.68 के औसत के साथ 195 विकेट निकाल चुके हैं। शमी का टेस्ट डेब्यू भी 2013 में ही हुआ, लेकिन इस बार सामने कैरेबियाई टीम थी, जहां उन्होंने 5 विकेट हॉल के साथ बतौर टेस्ट प्लेयर अनाउंसमेंट की। शमी अब तक कुल 64 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिनमें उनका औसत 27.71 का है और विकेटों की संख्या 229 है। टी20 में शमी के करियर की शुरुआत 2014 में हुई, हालांकि वो कभी भी इस फॉर्मेट में स्थायी तौर पर टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। 2014 से 2022 के बीच उन्होंने 23 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 24 विकेट निकाले। शमी के करियर में कई माइलस्टोन आए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018-19 की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत में उनके 24 विकेट ने अहम रोल निभाया। इसके अलावा उनका महज 26 मैचों में 100 टेस्ट विकेट लेकर तेज गेंदबाजों के एलीट क्लब में शामिल होना भी काफी शानदार रहा। साथ ही 2019 में उन्होंने सबसे ज्यादा 42 विकेट निकाले। मैदान पर सक्सेस मिल रही थी, लेकिन निजी जिंदगी में शमी के लिए मानो तूफान आ गया था। उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, जिसका असर शमी के करियर पर भी पड़ा। हालांकि उन्होंने लगातार खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट बनाए रखा और शानदार कमबैक किया। शमी के करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट पिछले साल अक्टूबर नवंबर में हुआ वनडे वर्ल्ड कप रहा, जहां उनके 24 विकेट्स ने न सिर्फ भारत को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि वो टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे। शमी की मेहनत और लगन पर मोहर अर्जुन पुरस्कार ने लगा दी है। जाहिर है उनकी कहानी क्रिकेट में आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा साबित होगी।